धनसनी ऑफ इंडिया। दक्षिण पूर्व जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड टीम ने मेवात के दो ऐसे कुख्यात ऑटो लिफ्टरों को दबोचा है जिन्होंने दिल्ली एनसीआर में आतंक मचा रखा था। इस ऑटो लिफ्टरों के अंतर्राज्यीय गैंग ने पिछले 7 महीनों में थाना जैतपुर, ओखला, सूरजकुंड, नेबसराय, कालकाजी, गोविंदपुरी, लाजपत नगर, न्यू फ्रांडिस कॉलोनी व आसपास के इलाकों से एक दो नहीं पूरी 21 मोटरसाइकिलों पर हाथ साफ किया था। ये गैंग इतना शातिर था कि मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद पुल प्रहलादपुर इलाके के सूरजकुंड रोड पर पड़ने वाले नागिया फार्म व सीएनजी पंप के पीछे डीडीए ग्राउंड में खड़ी कर देता था और फिर मामला शांत होने के बाद मेवात इलाके में ले जाकर ठिकाने लगा देता था। ऑटो लिफ्टरों की पहचान 25 वर्षीय जावेद पुत्र सुभान व 20 वर्षीय नफीस उर्फ पोला पुत्र खुर्शीद के रूप में हुई है। दोनों मेवात हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 21 दोपहिया वाहन, एक देशी पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। राजेश देव डीसीपी साउथ ईस्ट ने अपने इलाके में ऑटो चोरी पर अंकुश लगाने के लिए एटीएसटी टीम को लोकल इंटेलिजेंस की मदद से दक्षिण पूर्व जिले में चोरी के अनसुलझे मामलों को सॉल्व करने का काम सौंपा था। टास्क मिलते ही राजेश डोगरा एसीपी ऑपरेशन साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने वाहन चोरी के अनसुलझे मामलों को सॉल्व करने के लिए इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर एएटीएस साउथ ईस्ट की कड़ी निगरानी में एएसआई नासिर हुसैन, इंद्रजीत, विनोद, रूप सिंह, हेड कांस्टेबल अमृत सिंह व कांस्टेबल देवानंद की एक टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर ने सबसे पहले साउथ ईस्ट जिले के सभी थानों में पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़े गाड़ी चोरी के अनसुलझे मामलों की फाइलों को खंगाला। पेंडिंग गाड़ी चोरी के अनसुलझे मामलों में गाड़ी चोरों की मोडस ऑपरेंडी को बारीकी से स्कैन करने पर टीम को अहम इन्फॉर्मेशन मिली कि साउथ ईस्ट जिले में पिछले 7-8 महीनों में ज्यादातर टू व्हीलर चोरी की वारदातों को अंजाम हरियाणा के नूह मेवात जिले में रहने वाले दो शातिर ऑटो लिफ्टर जावेद और नफीस उर्फ पोला ने दिया है। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर की टीम ने मेवाती गैंग के शातिर गाड़ी चोर जावेद और नफीस उर्फ पोला को दबोचने के लिए कई बार मेवात में छापेमारी की, लेकिन मेवात इलाके में एंट्री करते ही इन्हें स्थानीय लोगों से छापेमारी की जानकारी लग जाती थी और वो फरार हो जाते थे। मेवाती गैंग के शातिर गाड़ी चोर जावेद और नफीस उर्फ पोला ने मेवात में अपने आसपास स्थानीय लोगों का सुरक्षा चक्र बना रखा था, इसलिए मेवात में इन्हें दबोचना आसान नहीं था। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर की टीम भी जावेद और नफीस उर्फ पोला पर लगातार नजर रखे हुए थी, लेकिन शातिर दोनों गाड़ी चोरों ने अपने आप को नूह मेवात में छिपा रखा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों गाड़ी चोरों ने अपने पास मोबाइल भी रखना बंद कर दिया था। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर ने अपनी टीम के कुछ सदस्यों को मेवाती ड्रेस में जावेद और नफीस उर्फ पोला के आसपास तैनात कर दिया। टीम के सदस्य मेवाती ड्रेस में पिछले काफी समय से मेवात नूह में दोनों ऑटो लिफ्टरों की एक्टिविटी और मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। दोनों आरोपियों की एक्टिविटी और मूवमेंट से टीम को एक बात तो क्लियर हो गई थी कि जब इन दोनों ऑटो लिफ्टरों को गाड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देना होता है तभी यह मेवात इलाके से बाहर निकलते हैं। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर को पूरा भरोसा था कि दोनों ऑटो लिफ्टर एक न एक दिन मेवात इलाके से बाहर जरूर निकलेंगे। आखिरकार कई दिनों के इंतजार के बाद दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर की टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि साउथ ईस्ट जिले में गाड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए दोनों ऑटो लिफ्टर जावेद और नफीस उर्फ पोला मेवात इलाके से निकल चुके हैं। दक्षिण पूर्व जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर दोनों ऑटो लिफ्टरों को दबोचने का यह मौका हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। टीम के पास ये तो कंफर्म इन्फॉर्मेशन थी कि दोनों ऑटो लिफ्टर दक्षिण पूर्व जिले में गाड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देने आ रहे हैं, लेकिन टीम के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती इस बात का भी पता लगाना था कि दोनों दक्षिण पूर्व जिले के किस इलाके में गाड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देंगे। दोनों ऑटो लिफ्टर इतने शातिर थे कि पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस न कर ले, इससे बचने के लिए उन्होंने अपने पास मोबाइल फोन भी नहीं रखा हुआ था। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर ने दक्षिण पूर्व जिले के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ साथ सस्पेक्ट इलाकों में मुखबिरों को तैनात कर दिया। टीम को मुखबिरों से इन्फॉर्मेशन मिली कि दोनों सस्पेक्ट मोटरसाइकिल पर सवार होकर सूरजकुंड टोल से पुल प्रहलादपुर इलाके में घुसे हैं। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों सस्पेक्ट जैसे ही मेहरौली बदरपुर रोड से होते हुए प्रेमनगर बस स्टैंड के पास पहुंचे, पहले से रेडी टीम ने दोनों को चारों ओर से घेर कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर दोनों आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। जिस मोटरसाइकिल पर सवार थे वो भी गोविंदपुरी थाना इलाके से चोरी की पाई गई। दक्षिण पूर्व जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड टीम ने आरोपियों के खिलाफ थाना पुल प्रहलादपुर में एफआईआर संख्या 344/23 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट और 411 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी।
कड़ी इन्वेस्टिगेशन में आरोपियों की निशानदेही पर पुल प्रहलादपुर इलाके से सूरज कुंड रोड नागिया फार्म व सीएनजी पंप के पीछे डीडीए ग्राउंड से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और बरामद हथियार के स्रोत और अन्य चोरी के वाहनों की बरामदगी का पता लगाने के लिए 3 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया। पीसी रिमांड के दौरान 21 अक्टूबर 2023 को बरामद हथियार के स्रोत का पता लगाने के लिए ग्राम सांचोली मथुरा यूपी और चोरी के वाहनों की बरामदगी के लिए मेवात हरियाणा में छापेमारी की गई। इनकी निशानदेही पर गंदा नाला कोसी कला रोड बिछोर मेवात हरियाणा से 8 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर को पूरा भरोसा था कि आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जाए तो गाड़ी चोरी के और मामले खुल सकते हैं, इसलिए दिनांक 22 अक्टूबर 2023 को आरोपी जावेद और नफीस को कोर्ट में पेश किया व चोरी के और वाहनों की बरामदगी के लिए 2 दिन का पीसी रिमांड मांगा। 2 दिन के पीसी रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर पुनहाना मेवात हरियाणा से चोरी के 6 दोपहिया वाहन और बरामद किए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी से मोटरसाइकिल चोरी के 22 मामले सुलझ गए हैं। पहला आरोपी नूह मेवात हरियाणा निवासी 25 वर्षीय जावेद पुत्र सुभान ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। खराब आर्थिक स्थिति के कारण इसे स्कूल से निकाल दिया गया था। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इसने दोपहिया वाहनों की चोरी करना शुरू कर दिया। यह एक ऑटो लिफ्ट के संपर्क में आया और उसके गैंग का हिस्सा बन गया। इसके बाद ये दिल्ली से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगा। आरोपी जावेद पहले भी चोरी के 5 मामलों में शामिल रहा है। दूसरा आरोपी 20 वर्षीय नफीस उर्फ पोला पुत्र खुर्शीद भी नू मेवात हरियाणा का रहने वाला है। इसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। अयाशी की जिंदगी जीने के लिए इसने दिल्ली NCR के इलाकों से दोपहिया वाहन चोरी करना शुरू कर दिया। आरोपी नफीस पहले भी गाड़ी चोरी और आर्म्स एक्ट के 2 मामलों में शामिल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान टीम को पता चला कि आरोपियों ने थाना गोविंदपुरी से दिनांक 11 सितंबर 2019 व 10 दिसंबर 2019 को मोटरसाइकिल नंबर DL3SDD1842 व DL3SCY4264 थाना ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से दिनांक 26 जुलाई 2023 को मोटरसाइकिल नंबर DL3SER3191, 9 मई 2023 को मोटरसाइकिल नंबर DL3SDQ0708, 28 जून 2023 को मोटरसाइकिल नंबर DL3SCG9236 व 3 जून 2023 को मोटरसाइकिल नंबर UP14BK8337 थाना कालकाजी से दिनांक 20 अप्रैल 2023 व 14 मई 2023 को मोटरसाइकिल नंबर DL3SDK6846 व DL3SCJ9677 दिनांक 12 अप्रैल 2023 को थाना महरौली से मोटरसाइकिल नंबर DL3SCH1700 दिनांक 2 अप्रैल 2023 को थाना न्यू फ्रेंड कॉलोनी से मोटरसाइकिल नंबर DL1SR4065 दिनांक 29 मार्च 2023 को थाना लाजपत नगर से मोटरसाइकिल नंबर DL12SA8976 दिनांक 10 अगस्त 2023 को थाना तिगरी से मोटरसाइकिल नंबर DLSCY0924 दिनांक 10 जून 2023 को थाना नेपसराय से मोटरसाइकिल नंबर DL3SAY7351 दिनांक 23 अगस्त 2023 को थाना सूरजकुंड फरीदाबाद से मोटरसाइकिल नंबर HR98F1592 दिनांक 1 जुलाई 2023 को थाना सराय ख्वाजा फरीदाबाद से मोटरसाइकिल नंबर DL3SFF4676 दिनांक 12 मार्च 2023 को थाना होटल पलवल से मोटरसाइकिल नंबर H450F9312 दिनांक 21 अगस्त 2023 को थाना आनंद विहार शाहरा से मोटरसाइकिल नंबर DL5SBF2677 दिनांक 30 अप्रैल 2022 को थाना सफदरजंग एनक्लेव से मोटरसाइकिल नंबर DL3SDZ8513 दिनांक 29 जुलाई 2023 को थाना जयपुर से मोटरसाइकिल नंबर DL3SBW9886 दिनांक 11 अप्रैल 2023 को थाना क्राइम ब्रांच से मोटरसाइकिल नंबर DL3SBV0192 चोरी की थी। इसके अलावा इनके पास से एक मोटरसाइकिल चेसिस नंबर 28031 इंजन नंबर 31679 बरामद किया गया जो कनेक्टेड नहीं है, इसको धारा 102 CRPC के तहत जब्त कर लिया गया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या
तो कहीं हत्या, कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।